Welcome to chemistry classes. Now, अब हम चर्चा करते हैं मैटर के दूसरे स्वरूप लिक्विड्स के. इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर समवॉट लूसली पैक्ड. लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूसली पैक्ड होते हैं. दीज पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड इजली. पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो आसानी से मूवमेंट में आते हैं विद इन द लिक्विड्स बट आर नॉट एबल टू एस्केप. देयरफॉर द पार्टिकल्स इन एनी लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा होता है देन इन द सॉलिड स्टेट. एक बीकर लिया गया और बीकर में कुछ 100 ml वाटर मैंने लिया. अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. ये वाटर से वाटर के वाटर में मैंने कुछ कॉमन सॉल्ट को डाला. जो घर में नमक होता है उसको डाला मैंने और ये कुछ देर तक मैंने इसको मैंने घुला दिया. अब ये देख रहे थे हम देख रहे हैं कि कुछ ही देर में जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स धीरे धीरे इसमें सॉल्युबल सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारा सॉल्ट और वाटर का. नाउ व्हाट हैपेंड इन सुगर पार्टिकल्स और सोडियम क्लोराइड. हमने लिया था इसमें सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट का क्या हुआ है? एक्चुअली मैंने यहां सुगर पार्टिकल्स के साथ लिखा था तो आप सुगर पार्टिकल्स लीजिए या फिर कॉमन सॉल्ट लीजिए. का कि जब आप डालेंगे तो क्या होगा कॉमन सॉल्ट के साथ? व्हाई दे डिसअपीयर. आखिर वो क्यों गायब हो गए? वेयर दे गो. आखिर इसमें से नमक या चीनी के वो कण कहां गए? पानी के अंदर सॉल्युबल हो गए. इसका मतलब क्या था? दैट मीन्स द दो पार्टिकल्स जो थे मॉलिक्यूल्स जो थे वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था? स्पेस था. इस स्पेस का मैंने नाम बताया था प्रीवियस वीडियो में. क्या था? मॉलिक्यूलर स्पेस. सो इनर मॉलिक्यूलर स्पेस जो था सॉलिड की अपेक्षा यहां पर ज्यादा था. कौन सा स्पेस? इनर मॉलिक्यूलर स्पेस. और इनके बीच जो फोर्स लग रहा था दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स भी क्या था? इनर मॉलिक्यूलर स्पेस भी जो था वो मैक्सिमम वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और फोर्स धीरे धीरे क्या हुआ था? लूज हो रहा था. इनर मॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस. यहां पर फोर्स कम हो रहा था और स्पेस बढ़ रहा था. ड्यू टू दीज टू रीजन लिक्विड्स में वो जो आपने डाला इसमें सॉल्ट या फिर सुगर वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया इन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में या वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या चले गए? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जिसको मैंने कहा था कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इसके अंदर चले गए. सो द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन वाटर आर नॉट टाइटली पैक्ड या बहुत ज्यादा टाइटली पैक नहीं होते हैं. दे आर समवॉट लूज. ये लूज होते हैं हैविंग ए स्पेस. उनके बीच स्पेस होता है बिटवीन देम. सो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द सॉलिड. सॉलिड से काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का ज्यादा होता है बट लेस देन गैसेस. लेकिन गैस से कम होता है. नाउ हम बात कर रहे हैं गैस की. इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब गैस के जो पार्टिकल्स हो गए ये मैंने मान लिया गैस जार था और गैस जार में दो गैसों को मैंने इसमें एक गैस मान लीजिए ऑक्सीजन को इसके अंदर डाला हुआ है. एक दूसरा गैस जार मैंने लिया और इस गैस जार में मैंने क्या डाल दिया? यहां से ऊपर से इसके लीड्स लगे हुए कवर लगे हुए कवर से ये ढका हुआ है. एक और कवर लगा दिया मैंने इसमें और ये दूसरे गैस जार में क्या भरा हुआ है? हाइड्रोजन. मैंने मान लिया इसमें क्या डाला हुआ है? हाइड्रोजन. अब दोनों गैस जार को एक दूसरे के ऊपर उलट के रख दें. जब डाल देंगे और इसके लीड्स इसके बीच से हटा देंगे तो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे पूरी तरह। देर आर फोर्स का इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, द पार्टिकल्स इन द गैसेस आर फ्री एंड कैन मूव विद द कंसिडरेबल स्पीड्स इन एनी डायरेक्शन, देयरफॉर द पार्टिकल्स इन गैसेस हैव वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी। तो यह बताता है कि ऑक्सीजन बहुत तेजी से नीचे या हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा इम्पार्ट, इनके बीच में स्पेस मैक्सिमम होता है। कौन सा स्पेस? इनर मॉलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, और इनर मॉलिकुलर फोर्स, मॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होगा, फोर्स बहुत ही लेस अमाउंट में नेग्लिजिबल होता है, फोर्स यहां कम होता है, स्पेस ज्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। और यही कारण है कि इसके एक एक्सपेरिमेंट में पीछे दिखा रहा हूं आपको, यहां दिखा रहा मैंने, ये पार्टिकल्स हैं गैस के, ये इधर उधर बहुत तेजी से मूवमेंट में, सो इनर मॉलिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है, इनर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है नेग्लिजिबल होता है, सो पार्टिकल्स आर अपार्ट, इससे इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, इंसेंस स्टिक्स डाल देते हैं, अगरबत्ती जिसे कहते हैं, इसको जलाकर आप कमरे के एक कॉर्नर पर डाल दीजिए, इसके फ्यूम्स निकलने शुरू होंगे और फ्यूम्स धीरे धीरे अगरबत्ती की सुगंध दूसरे कमरे में बैठे हुए या उसी कमरे के किसी अन्य जगह पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका सुगंध मिल रहा होता है। यह बताता है कि गैस में गैस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इनर मॉलिकुलर स्पेस वेरी लार्ज, यहां पर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इनर मॉलिकुलर फोर्स इज नेग्लिजिबल, फोर्स क्या होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लार्ज, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण ही ये यहां से यहां तक बहुत तेजी से फैल रहा था, और यह फैलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। सो दस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ ए सब्सटेंस इज द लोएस्ट इन द सॉलिड स्टेट, अ लिटिल हायर इन द लिक्विड स्टेट एंड वेरी हाई इन द गैसेस स्टेट। रिजल्ट क्या निकला, द प्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स इन द एंटायर रूम वेरी क्विकली टेल अस दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यह बताता है कि बहुत आसानी से गैस के जो पार्टिकल्स हैं एक एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज वेरी हाई। एक वर्ड इसमें मैंने यूज किया था डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, तो मैं आपको बता दूं डिफ्यूजन क्या होता है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस मिक्स होने का और मोशन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।